आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना। हमारे साथ है देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। माता रानी खुशियां दे, सदा सुख पक्ष। आज का विषय उन सभी के लिए खास है जिनकी शादी होने वाली है या अभी अभी शादी हुई है, क्योंकि आज हम बात करेंगे लव और अरेंज मैरिज की। समाज में अभी भी अरेंज मैरिज को लव मैरिज से थोड़ा बेहतर माना जाता है, लेकिन आज जानेंगे ज्योतिष के अनुसार किसे लव मैरिज करनी चाहिए और किसे नहीं करनी चाहिए। लव और अरेंज मैरिज से जुड़े और कौन से विषय होंगे ये भी जान लेते हैं। कुंडली से जानिए आपकी लव मैरिज टिकेगी या नहीं टिकेगी। क्या अरेंज मैरिज लव मैरिज से ज्यादा टिकती है? लव मैरिज के बाद भी क्यों हो जाता है तलाक? कैसे बनेगी जीवन भर साथ निभाने वाली जोड़ी? शो की शुरुआत करने से पहले आपको याद दिला दें कि आप फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को लाइक कीजिए और गुरुदेव से सीधा अपने सवाल कीजिए। आपके सवालों का जवाब जरूर मिलेगा। साथ ही टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर आप मेल कीजिए, आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर आप कॉल कीजिए। गुरुदेव, आज हम चर्चा करेंगे लव मैरिज और अरेंज मैरिज में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लव मैरिज की, क्योंकि आजकल के युवा सबसे ज्यादा चाहते हैं कि वो लव मैरिज करें, अपने पसंद का जीवन साथी चुने। लव मैरिज कुंडली के हिसाब से किसे करनी चाहिए और किसे नहीं करनी चाहिए? बेटा, पहले तो मैं ये बता दूं कि आज के जमाने के अंदर लव मैरिज की प्रेफरेंस बढ़ क्यों गई है। जो लव मैरिज है बेटा, ये है जल्दबाजी का सबूत, और अरेंज मैरिज जो है वो है धैर्य का सबूत। और आज का लगभग हर किसी के अंदर सहन शक्ति की कमी हो गई है, जिसके चलते हुए संस्कारों को अपनाना, उनके ऊपर अडिग रहना और अपने असूलों को ना तोड़ना, ये धैर्य लगभग खत्म हो चुका है। उसका कारण, शहरों के अंदर चाहे वो गाड़ियों का धुआं, चाहे एसी में से निकलने वाली गर्मी या किसी और तरह की जो इंडस्ट्रियां लगती है उनमें से उत्पन्न होने वाला जितना भी धुआं है, गैसें हैं बेटा, ये राहु को जन्म देती है। यानी कि ये जो धुआं है ये राहु कहलाता है। और राहु यानी कि जब ये हवा में मिलकर के हमारे ऑक्सीजन के साथ में अंदर जाता है तो ये हमारी इम्यूनिटी को बिगाड़ता है, सहन शक्ति को बिगाड़ता है, याद रखने की ताकत को बिगाड़ता है, कंसंट्रेशन को बिगाड़ता है, और जब ये सब बिगड़ जाते हैं तो धैर्य टूटता है। ऐसे में बच्चे को हर वो चीज चाहिए जो जल्दी प्राप्त हो जाए और पसंद की चाहिए। ये जो सिनेरियो बनता है बेटा, ये चीज खास तौर पे विपरीत लिंगी की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता, और वो भी कौन सा विपरीत लिंगी? और इस पर लव मैरिज होती किन की है? लव मैरिज उनकी होती है बेटा जिनकी जन्म कुंडली के अंदर पांचवें घर के अंदर एक दो तीन ग्रह बैठे हुए हों, समझे, और उनका संबंध लगन और सातवें घर के साथ में भी हो। जैसे अगर मान लीजिए किसी का तुला लगन है तो सातवें स्थान के ऊपर मेष राशि आई, और अगर किसी की मेष लगन है तो सातवें स्थान पर तुला आए तो मंगल शुक्र, अगर मंगल शुक्र दोनों मिलकर के अपने जन्म कुंडली के तीसरे घर में या पांचवें घर के अंदर बैठ गए तो समझ लो लव मैरिज पक्की है, ठीक है, जो अच्छे योग भी बनते हैं। लेकिन इसी तरह से बाकी के हालात, जैसे बुध और बृहस्पति यानी कि मीन और कन्या, ऐसे में बुध और बृहस्पति का मेल किसी भी तरह से बनता है और ये आपस में जुड़े हुए होते हैं तो भी लव मैरिज, और पांचवें घर में होते हैं फिर तो जरूर। और ये एक सीन है, लेकिन दूसरा सीन एक और है कि पांचवें घर के अंदर जो भी ग्रह बैठे हुए हो अगर वो पापी हो, जैसे शनि राहु केतु ये, या सूर्य के साथ में पापी ग्रहों की दृष्टि हो, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, ये लोग प्यार भी करते हैं, प्यार करके बहुत जल्दी धैर्य खो करके शारीरिक संबंध भी बना लेते हैं और सामने वाले को फिर मजबूर करते हैं शादी करने के लिए, और ऐसी शादियां कभी नहीं टिकती और उसके अंदर कोई ना कोई खराबी आने की होती है। और पांचवा घर सही मायने में अपने दिमाग के अंदर प्यार को जन्म देने वाला होता है, और इसका संबंध जब भी पापी ग्रहों के साथ में हो जाता है या खराब ग्रह के साथ में होता है तब लव मैरिज उत्पन्न होती है।
मंगल और शुक्र का मेल जो मैंने कहा कि हाँ ये उत्तम भी रहेगा, ये भी दोनों मिलकर के मंगल को बद कर देते बुरा। कारण यह है पांचवा घर है बृहस्पति का, और बृहस्पति की खिलाफत करके यानी कि संस्कारों की खिलाफत करके अपनी मनमर्जी को अपने पेरेंट्स के ऊपर हावी करना और संस्कारों की परवाह ना करना, इसका नाम है लव मैरिज। इसको आज के बच्चे ये मॉडर्न जमाने के असूल का हवाला देते हैं, अपनी पसंद का हवाला देते हैं, लेकिन बेटा ये वो भी सच है और ये भी सच है जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। अरेंज मैरिज किनकी होती है? अरेंज मैरिज उनकी होती है जिनकी जन्म कुंडली के सातवें घर के मालिक जन्म कुंडली के दूसरे घर के साथ में संबंध रखते हैं, ग्यारहवें घर के साथ संबंध रखते हैं, बारहवें के साथ रखते हैं और चौथे घर के साथ संबंध रखते हैं, बेटा उनकी अरेंज मैरिज ही होती है। ऐसे लोग लव अफेयर के चक्कर में नहीं पड़ते। उनका काम होता है कि जो भी जीवन साथी मिले वो अच्छा होना चाहिए आदतों का, उसकी कमाई अच्छी होनी चाहिए, उसके संस्कार अच्छे होने चाहिए, और वो सबसे बड़ी बात वो पहले उस घर को पूरे को तोलते हैं और साथ में बच्चे के व्यवहार को पूरा तोलते हैं और कोशिश करते हैं तब शादी हो, ठीक है। लेकिन इनके बीच में भी अगर पापी ग्रह साथ में मिल जाए, चाहे कोई भी मैरिज हो बेटा, उसके अंदर खराबी के ये योग बना देता है। और अगर ऐसे हालात में पापी ग्रहों का मिश्रण नहीं हुआ जो अरेंज मैरिज वाले मैंने हालात बताए, तो ऐसे में शादीशुदा जिंदगी बहुत बेहतर रहती है। समझे? इस तरह से बेटा लव मैरिज और अरेंज मैरिज इन दोनों को बहुत अच्छी तरह से तोला जा सकता है कि किनकी होगी और किनकी नहीं। किसकी कुंडली में लव मैरिज के योग होते हैं गुरुजी, आपने हमें वो तो बता दिया है लक्षण क्या होते हैं। आपसे जानना चाहते हैं कि जो लोग लव मैरिज कर लेते हैं और उनकी जिंदगी में परेशानियां बढ़ने लगती हैं, फिर वो अपने माँ बाप से भी कुछ नहीं कह पाते हैं, बिल्कुल वो कुंडली में किस तरह के योग होते हैं और इसका उपाय क्या कर सकते हैं? बेटा जन्म कुंडली के पांचवे घर के अंदर जब भी पापी ग्रह बैठे हुए या खराब ग्रह बैठे हुए प्यार करवाते हैं, अगर वो शादी तक ले भी जाए तो ये शादियां ज्यादा देर नहीं टिकती। उसका कारण क्या है? ये पापी ग्रहों से कंसर्न होता है या खराब ग्रहों से कंसर्न होता है, तो ऐसे में बहुत जल्दी पहले ये होती है कि फलाने को पाना है, सामने वाले को पाना है, और जब वो पा लेते हैं तो उसके बाद उसकी बुक्कत खत्म हो जाती है और उसके बाद नए शिकार के तलाश में निकल पड़ते हैं। ये दोनों की कुंडली के अंदर यानी कि लड़के की कुंडली में और लड़की की कुंडली में समान मात्रा में होता है। ऐसे में जब भी उसी ग्रह का वापस अवसर आता है, ये कितनी देर बाद आता है मैं आपको ये भी बता देता हूं बेटा, कुछ भी हालात हो इसने हर तीन चार साल बाद वापस आना है इस ग्रह योग में, जो भी कंसर्न करता है पांचवें घर के साथ, कईयों के तीन साल बाद, कईयों के चार साल बाद, कईयों के पांच साल बाद। जब भी ये वक्त आता है उस वक्त में फिर दोबारा पुराने जीवन साथी को छोड़ के या पुराने साथी को छोड़ के नई जगह अट्रैक्शन बनती है, और वो नई अट्रैक्शन पुराने वाले की जो खासियत होती है उनको भुला देती है और नए वाले की तरफ झुकाव फिर से बनने लगता है। यही कारण है बेटा जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को भी जन्म देता है, यही कारण है जो लव मैरिज को जन्म देता है और उसके बाद उसको खराब भी करता है, समझे। इसीलिए सबसे उत्तम तो यह है कि आप अपनी जन्म कुंडली बनवा करके पांचवें घर के ग्रह का इलाज करें, और अगर उसका इलाज करके चलते हैं ना प्यार खराब होगा, ना प्यार में हुई हुई शादी खराब होगी, और ना ही आगे चल के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की कोई कंडीशन बनेगी। नहीं तो इसका एक सिंपल सा इलाज ये जरूर करें, पापी ग्रहों को अपनी जन्म कुंडली से निकालना बेहद जरूरी हो जाएगा। उसके लिए क्या करना है बेटा? इसके लिए हर बुधवार को सतनाजा दान दे, समझे, सात अनाज मिला करके उनको दान में देना, और हर शनिवार को सरसों के तेल में मुंह देख करके उसको दान देना, वो भी बेहद ज्यादा जरूरी है। और प्लस जो शुभ ग्रह है उनको अच्छा करना, यानी कि अपना जहां परिवार कुंबा देखा जाता है जन्म कुंडली का दूसरा घर जिसे हम मंदिर भी बोलते हैं बेटा, उसको जगाना बेहद जरूरी है। और उसको जगाने के लिए आप हर सोमवार को थोड़े से चावल और दूध मंदिर में जरूर दे करके आए, और हर बृहस्पतिवार को चने की दाल, हल्दी या पीला कपड़ा ये मंदिर में दे करके पंडित जी के पांव हाथ लगा करके आशीर्वाद जरूर लेकर के। जो लोग भी लव मैरिज करना चाहते हैं या कर चुके हैं,
उनको खास तौर पे इन उपायों का अनुसरण जरूर करना चाहिए, नहीं तो अपनी जन्म कुंडली दिखा करके उसका पक्का इलाज करना चाहिए। वरना जब भी ये योग वापस आएगा, चाहे 3 साल बाद आए चाहे 5 साल बाद आए, ये कोई ना कोई हलचल जरूर मचा देगा और मैरिड लाइफ को किसी न किसी रूप में खराब कर देगा। और ये मान लो योग अभी ही आया हुआ हो और इसी में ही शादी हो जाए, तो बेटा शादी होने के कुछ महीने के बाद ही पहले घर वालों के साथ लड़के शादी करना और कुछ महीने भी ना गुजरना और फौरन तलाक हो जाना, ये वाले हालात ये पैदा करता ही रहेगा। इसीलिए बेटा हमारे बड़े बुजुर्ग शादी लव मैरिज के खिलाफ हुआ करते थे, क्योंकि ये पापी ग्रहों की मर्जी से होती है और पापी ग्रहों की जहां मर्जी होती है बेटा वो स्थिरता वहां पर कभी नहीं। गुरु जी अब बात कर लेते हैं अरेंज मैरिज की। अरेंज मैरिज किन की होती है ये आपसे जानना चाहते हैं, और अरेंज मैरिज जिनकी खराब हो जाती है उनको क्या उपाय करने चाहिए या पहले से कोई उपाय किए जा सकते हैं? बिल्कुल बेटा, बेटा देखो पहले की बात ये रही, पहले तो तभी संभव है कि अगर इंसान अपनी जन्म कुंडली को पहले दिखा लेता है और उसको पता चलता है तो उसके उपाय करके उन चीजों से बचा जा सकता है, इसका तो यही एक तरीका है। अरेंज मैरिज होती किन की है? जिनकी जन्म कुंडली का दूसरा चौथा सातवां नवा घर अच्छा और इन्हीं के साथ में इनके शादीशुदा ग्रह का कहीं ना कहीं संबंध हो, अगर नौवें घर के साथ में हो तो शादी के बाद भाग्य बहुत ही सुंदर खिलता है और बहुत ही अच्छा रहता है और जिंदगी के अंदर ऊंचाइयां भी मिलती है, जैसे कि बहुत सारी दुनिया का ऐसे हुआ भी होगा। दूसरे घर के साथ संबंध हो तो बेटा ऐसे में अच्छा परिवार कुंबा मिलता है, मिलजुल के रहते हैं और हर तरह का सुख होता है और जिसमें पैसा भी होता है। और चौथे घर के साथ संबंध हो तो तब भी परिवार कुंबा अच्छा मिलता है, हर तरह की समृद्धि होती है, घर में सुख शांति भी होती है। लेकिन अब खराब किन की होती है? खराब उनकी होती है बेटा जिनके दूसरे और चौथे घर के अंदर पापी ग्रहों का संबंध हो जाए, या खराब मंगल बेटा दूसरे या चौथे घर के साथ संबंध बना जाए। और आपने एक और चीज सुनी होगी कि शादी के बाद देखी जाती है चंद्र कुंडली, अगर चंद्र कुंडली से भी मांगलिक अगर बच्चा हो तो उनकी भी शादियां खराब होती हैं। तो ऐसी अवस्था में सिम्टम्स क्या होते हैं? अगर सिर्फ और सिर्फ मियां बीबी के अंदर लड़ाई हो, उनके विचार ना मिले और एक दूसरे को दोष देकर के बेटा हालात खराब पे खराब होते चले जाए तो समझ लीजिए कि आप चंद्र मांगलिक है या किसी न किसी वजह से चंद्र और मंगल का मेल हो रहा है जो कि मियां बीबी को नहीं बसने दे रहा। तो ऐसी अवस्था के अंदर एक सिंपल सा उपाय, 45 दिन लगातार 4 छुआरे लें, 4 छुआरों को 4 गिलास पानी के अंदर उबाल करके उनको ठंडा करके जल प्रवाह कर दें, इससे मियां बीबी के आपसी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। दूसरा योग, अगर दूसरे घर के साथ में पापी ग्रह बैठे हुए हो और ये यहां पर बैठ के धमाल मचाते हो और पूरा ससुराल का परिवार ही अपने खिलाफ हो, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, और उनके साथ ना बनती हो, खराबी के हालात और शादी के बाद खास तौर पे नगद पैसे के लिए गिरावट आए, तो बेटा फिर ऐसे में क्या करना चाहिए? फिर ऐसे में जितने पापी ग्रहों के जानवर है यानी कि कुत्ता कौवा और भैंसा, इनको कुछ ना कुछ खाने को जरूर देते रहें, और केले और कंबल का दान बेहद ज्यादा जरूरी होगा और सतनाजे का दान करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। बेटा ये करेंगे तो भी उनकी गृहस्थियां बहुत अच्छी चलेगी। पर अगर चौथा घर, चौथे घर के अंदर 2 ग्रह बड़े घातक होते हैं, एक शनि और दूसरा मंगल, मंगल अगर चौथे घर का हो तो शादी होते ही घर में कलेश की अवस्था बहुत ऊपर तक जाती है जिसके अंदर पूरा परिवार ही दुखी होता है। फिर दूसरी अवस्था ये होती है कि घर के अंदर लड़ाई झगड़ा मियां बीवी का भी और बाकी के लोगों का भी मिलकर के होता है और जिसके अंदर गुस्सा शुमार होता है यानी कि गुस्से के अंदर आकर के मार पिटाई तक करना। अगर ये हालात हो तो 43 दिन 400 ग्राम गुड़ की रेवड़ी जल प्रवाह करनी चाहिए। और अगर शनि होते हैं तो वो क्या करते हैं, आपस में वो जो पीठ पीछे बातें करके और एक दूसरे के लिए चुगलियों वाले हालात पैदा करके और एक दूसरे के साथ मन मुटाव करके एक ही छत के नीचे रहना लेकिन अलग अलग सोना, एक दूसरे के अंदर का इंटरेस्ट खत्म हो जाना और जीवन साथी का आलस पे आलस करते चले जाना, बेटा इस तरह के अगर हालात हो तो 43 दिन 4 मुट्ठी साबुत बादाम गरीबों को दान में देना या जल प्रवाह करना वो बहुत जरूरी है, और 4 बोतल शराब की वो जल प्रवाह करना, और हर रोज दूध धुले चावल कौओं को खिलाना। अगर ये किया जाता है तो बेटा मैरिड लाइफ पूरी तरह से टिकी रहती है। एक और योग होता है और वो होता है जन्म कुंडली के 7वें घर के साथ अगर राहु का संबंध हो जाए
तो मियां बीबी के अंदर शक के हालात पैदा होते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार बेवजह जीवन आने वाले जीवन साथी के ऊपर शक किया जाता है या होने वाले जीवन साथी के ऊपर शक किया जाता है कि इसके संबंध वहां रहे। लड़का लड़की पे भी करता है और लड़की लड़के पे भी करती है, ये वाले हालात बनते हैं, ये पैदा करता है पाप। अगर ये वाले हालात हो तो सिंपल तौर पे 101 नारियल पूजा वाला लेकर के उस पर जल प्रवाह कर दे। चांदी का चकोर टुकड़ा मियां बीबी दोनों अपने जेब में रखना शुरू करें और चावल चांदी और गंगा जल ज्यादा से ज्यादा मात्रा के अंदर अपने घर पे रखें ताकि ये शक और वहम की से सब दूर हो और शादीशुदा जिंदगी अच्छी तरह से चले। आपको याद दिला दे, टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है gurumantra@itvnetwork.com, उस पर आप मेल कीजिए अपनी डिटेल्स और फोन नंबर, आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर आप हमें फोन कीजिए। गुरु जी से चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ लाइव दर्शक जुड़ गई हैं। सोनिया त्यागी जी हैं गाजियाबाद से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। मेरा नाम सोनिया त्यागी है, मेरी डेट ऑफ बर्थ 6 नवंबर 1984 है और मेरा जन्म सुबह 3:10 मंगलवार को है और मेरा जन्म स्थान है सहारनपुर। सोनिया जी, अब आप अपना सवाल कर सकती हैं। स्वामी जी, मेरा आपसे एक ही सवाल है कि घर में लक्ष्मी जी का आवास कैसे हो और मेरे पति की तरक्की कैसे हो? बेटा, ये जो जन्म पत्री मेरे सामने है इसके अंदर हालांकि बहुत अच्छे योग बैठे हैं बृहस्पति और मंगल के, जो कहते हैं कि जीवन के अंदर तरक्की भी देंगे, समृद्धि भी देंगे और बढ़ती उम्र के साथ में समृद्धि बढ़ती जाएगी, ये योग है। लेकिन यहाँ पर केतु इतनी खराब अवस्था के अंदर है कि ये समृद्धि के अंदर के हालात को ऐसे करता है जैसे बकरी दूध तो देगी मिलने डाल के। अब जिंदगी के अंदर अगर तरक्की चाहते हो तो बेटा सबसे पहले अपने घर के अंदर कुत्ता पाल और अपने कान छिदवा करके उसके अंदर सोने की तार या स्टड कुछ भी आप डाल सकते हो। हर रोज केसर का तिलक लगाना बेहद ज्यादा जरूरी है और साथ में ही मंगल के उपाय करते रहना और केतु के उपाय करना है। इनके लिए क्या करते हैं बेटा, हर साल 3 दिन लगातार काला सफेद कंबल लेके अपने सर से 7 बार उतार के मंदिर के अंदर देना और हर साल ही 43 दिन लगातार 3 केले मंदिर में देना और मंगल के लिए हर मंगलवार को मिठाई का दान करना और गायत्री जप करना। बेटा आप ये उपाय करके देखिए, घर के अंदर खूब अच्छी समृद्धि आनी शुरू होगी और आगे बढ़ के गिरने के हालात कमजोर हो जाएंगे। अगर आप हमारे शो पर लाइव सवाल करना चाहते हैं तो gurumantra@itvnetwork.com पर मेल करते समय इसका जिक्र जरूर कीजिए कि आप हमसे लाइव दर्शक जुड़ना चाहते हैं, हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। तो नंबर हमें वहां लिख भेजिए, आपके सभी सवालों का जवाब हमारे शो में मिलेगा। इस वक्त हमारे साथ फेसबुक कॉलर जुड़ गई है, ऋचा है लुधियाना से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, फिर सवाल कीजिए। जन्मतिथि है 14 अक्टूबर 1976 और समय है सुबह के 3:44 और जन्म स्थान है लुधियाना पंजाब। क्या जानना चाहती है? जी, मेरे ना हस्बैंड का काम नहीं चल रहा, उसके बारे में सोच रहा था। उनको काम इतनी मेहनत करती हूँ तो काम की बहुत दिक्कत आ रही है। बेटा, ये उसके बारे में पूछा था। ये डेट ऑफ बर्थ तुम्हारी है कि तुम्हारे हस्बैंड की है? जी, मेरे हस्बैंड की है, मैंने उनके बारे में पूछना था सर। बेटा, तुम्हारे पति की कुंडली के अंदर चंद्रमा के 10वें स्थान पर बैठने से एक बड़ा अजीब सा योग पैदा हुआ कि ये समझदारी देगा, अच्छापन देगा, उनको अच्छी सोच भी देगा लेकिन कामकाज की सेटिस्फेक्शन नहीं देगा। ऐसे में तेरे घर के अंदर जितनी ज्यादा सीरियल रहेगी कामकाज के लिए उतने ही नुकसान के हालात पैदा होंगे। एक ये योग और दूसरा योग, केतु देव अष्टम भाव में बैठ करके धन भाव में बैठे सूर्य और मंगल के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं। बेटा, सूर्य और मंगल अगर ये खराब हो जाए, चाहे नौकरी हो या व्यवसाय, इसके अंदर आए दिन कोई ना कोई टेंशन लगा के रखते हैं। भाई, यार दोस्त, मित्र, पार्टनर के सुखों में खराबी के योग देते हैं। जिंदगी में बार बार फ्लक्चुएशन, कभी ऊपर कभी नीचे, झूले की तरह झुलाते हैं। भाइयों के साथ या दोस्तों के साथ पूरी तरह से निभने नहीं देते और काम काज के अंदर कभी ऊपर कभी नीचे, ये झूले की तरह झुलाते रहते हैं। बेटा, जब तक इन दोनों योगों का तुम इलाज नहीं करते तब तक तुम्हारे पति का काम काज के स्टेबल होने के योग कमजोर है। हालांकि उनके अंदर गुण बथेरे हैं, हर सिचुएशन को समझ के उसके अनुसार बोलना, सोचना, समझना, ये सारे गुण उनके अंदर है।
लेकिन जब तक इन दोनों योगों के इलाज नहीं होते कामयाबी नहीं है। और वो उपाय है बेटा, सबसे पहले बेटा काला सफेद कंबल लेकर के उसको सर से 7 बार उतार के उसको वीरान जमीन के अंदर दबाना हर साल, ये बहुत जरूरी है। कान छेदन करवा के उसके अंदर सोना धारण करना, ये भी बहुत जरूरी है। और बाहर हर रोज कुत्तों को कुछ ना कुछ खाने को देना, ये भी बहुत जरूरी है। और दूसरा, 10 दृष्टिहीन दिव्यांग व्यक्तियों को हर 6 महीने बाद खाना खिलाना बहुत जरूरी है। इससे कुंडली के अंदर 10वीं घर के अंदर जो शनि खराब हो रहे हैं चंद्रमा के बैठने से, ये ठीक होंगे। और साथ ही 43 दिन लगातार तांबे का पैसा जल प्रवाह करना और 43 दिन ही लगातार शनि की वस्तुओं का दान देना। बेटा जिस दिन ये उपाय हो गए इसके बाद में कामकाज में कोई अस्थिरता नहीं रहेगी, फ्लक्चुएशन बिल्कुल रुक जाएगी, यारों दोस्तों के साथ में भी अच्छे हालात बनेंगे और काम की जगह पर भी अच्छे हालात बनेंगे। ये उपाय करो और सदा सुखी रहो। अगर आप भी अपनी किस्मत का हाल जानना चाहते हैं तो तरीका बहुत ही आसान है। गुरुदेव की ऐप टेल माय लक अब आप अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। एंड्रॉइड और एप्पल दोनों तरह के फोन्स में ये ऐप उपलब्ध है। उसके बाद आपकी किस्मत से जुड़े सभी सवालों का जवाब आपको यही मिलेगा। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुरुदेव से जानेंगे शादी से जुड़े सबसे खास गुरु मंत्र के बारे में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं लव और अरेंज मैरिज की। अगर आप भी अपनी किस्मत से जुड़ी समस्याओं का समाधान पाना चाहते हैं तो तरीका बहुत ही आसान है। गुरुदेव की ऐप टेल माय लक आप अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। एंड्रॉइड और एप्पल दोनों तरह के फोन्स में ये ऐप उपलब्ध है। साथ ही आपको याद दिला दे, टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर आप मेल कीजिए, आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर आप फोन कीजिए। गुरुदेव, ऐसा कहा जाता है कि अरेंज मैरिज के मुकाबले लव मैरिज में ज्यादा तलाक देखे जाते हैं। कुंडली में तलाक के क्या लक्षण होते हैं और तलाक ना लिया जाए, ना हो, उसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? बेटा लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, इनके अंदर तलाक की अलग होने की रेशो लगभग बराबर ही है। और उसका कारण क्या है? जिसकी भी जन्म कुंडली के अंदर शनि और राहु पाप करने के ऊपर आ गए और मंगल खराब हो गया, मंगल संबंध रखता है बेटा तीसरे घर के साथ, लग्न के साथ में और 8वें घर के साथ, और शनि और राहु ये हमेशा शुभ ग्रहों को खराब करने का ही काम करते हैं। इनका सबका मंगल और शनि का और राहु का काम क्या है? सहन शक्ति को खत्म कर देते हैं। और तीसरे घर का मंगल बेटा ये चाहता ही नहीं कि गृहस्थी बसे, और ऐसे में क्या करता है कि शादी के बाद में ये जीवन साथी के प्रति नीरसता भरा ये एक तरह का हालात पैदा करता है, जिसके कारण मियां बीबी एक नहीं हो पाते या एक दूसरे में कमियां निकाल के अलग होते हैं। दूसरा, ये पापी ग्रह जब भी दूसरे और चौथे घर के साथ में जुड़ जाते हैं तो उस वक्त में भी खराबी के हालात ये बढ़ा ही देते हैं और आदमी को अलग होने के लिए मजबूर कर देते हैं। और ज्यादातर क्या होता है हमारे हिंदुस्तान में, जब भी लड़के की या लड़की बनाना है और लड़की की करनी है तो उसके अंदर भी सफेदियां करके एक आध दीवार और निकाल करके लगा करके कोई छज्जा बढ़ा करके उसे ठीक ठाक करना है, क्योंकि रिश्तेदारों को आना है। शादी के वक्त में जो भी लोग शनि को जगा लेते हैं या टॉयलेट बाथरूम गेट सीढ़ी छत या फर्श के ऊपर कुछ भी नया बनाते हैं और उसको तोड़ फोड़ करके ठीक करते हैं और जन्म कुंडली के अंदर शनि राहु मंगल खराब हो तो बेटा तलाक के योग पक्के हैं। इसीलिए बस शादी से पहले आप पेंट रंग रोगन जो भी करवाना चाहते हैं वो करवा के आप अपने घर को ठीक ठाक और अच्छा कर लें, लेकिन किसी भी तरह की तोड़फोड़ और खास तौर पे घर की छत के ऊपर कोई भी कंस्ट्रक्शन या रेनोवेशन भूल के ना करें। जो लोग इसको भी अपना करके चलते हैं उनके बच्चों की भी शादीशुदा जिंदगी लगभग अच्छी रहती है, और जो ये करके चलते हैं और वहां शनि राहु और मंगल खराब हो तो वहां पर शादी के थोड़े ही दिनों के बाद में बेटा कुछ भी बुरे हालात उत्पन्न हो सकते हैं जो कि मियां बीबी को अलग अलग करते हैं। अगर शादी के पहले ही साल इस तरह के हालात पैदा हो जाए कि तलाक तक की नौबत आने लगे तो बेटा उपाय क्या करना है? उपाय अब ये सुनिए।
एक नारियल पूजा वाला, 10 साबुत बादाम और 10 छुआरे, इनको लेकर के 43 दिन लगातार इनको जल प्रवाह कर दीजिए या गरीबों को दान में दे दीजिए। ये उपाय करना बहुत जरूरी है। छुआरे मंगल, बादाम साबुत बुध विशेष शनि और नारियल राहु। बेटा हम इन तीनों ही ग्रहों को निकाल देते हैं, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। यानी कि इन तीनों को निकाल दिया तो शादीशुदा जिंदगी अपने आप अच्छी होने लगेगी। इसके विपरीत हम शुभ ग्रहों को अच्छा करते हैं। शुभ ग्रह कौन से? चंद्र, बृहस्पति। इनको अच्छा करने के लिए सोमवार के दिन दूध और चावल मंदिर के अंदर दें और बृहस्पतिवार के दिन पीला कपड़ा, चने की दाल, हल्दी ये मंदिर में दे और किसी दिन त्योहार पे साल में एक आध बार कोई सोने का बेशक हल्का फुल्का छल्ला ही सही बेटा, वो किसी बुजुर्ग पंडित के हाथ में डाल के उससे पाव हाथ लगा करके घर के अंदर सुख शांति और समृद्धि का आशीर्वाद लेकर के जरूर आए। आप ये करके देखिए, ये तलाक होने बंद हो जाएंगे। इतने से उपायों से ही घर के अंदर सुख शांति समृद्धि सब काबिज। गुरुदेव, भले ही हम लव मैरिज और अरेंज मैरिज की बात कर रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली सब चाहते हैं कि शादी के बाद जीवन सुखी रहे, जीवन साथी दोनों सुखी रहे, सहयोग करें। उसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? बेटा जो हमारे जितने भी पुराने संस्कार बने हैं वो इन्हीं चीजों को लेकर के बने हैं कि इंसान के रिश्ते कैसे आपस में जुड़े रहे और सामाजिकता कैसे अच्छी चले। आप अगर अपने संस्कारों को अपना करके चलते हैं तो हर हालत में शादीशुदा जिंदगी अच्छी ही चलेगी। जैसे आने वाली जो बहू है उसके पांव के अंदर पायल का पहनाना और पांव की उंगलियों में और अंगूठे के अंदर चांदी के बिछुए पहनाना, सबसे पहले ये हालात बन जाते हैं कि शादीशुदा जिंदगी चलेगी और बहू में धैर्य रहेगा। अगर बहू के मांग के अंदर लाल रंग का सिंदूर और बिंदी लगी रहेगी तो पति कहीं भी नहीं जा सकता क्योंकि ये मंगल है। अगर औरत मंगल को मस्तक पे लगा के रखती है तो बेटा मंगल को मस्तक पे लगाने का मतलब जीवन साथी का हमेशा अपने साथ रहना, ये बहुत जरूरी है। और उधर से मर्द को क्या करना चाहिए? मर्द को हमेशा अपने चंद्र को जगा के रखना चाहिए और चंद्र को जगाने के 2 तरीके। एक, अपने घर में माता और साथ में जो भी बुजुर्ग स्त्रियां उसके यहां आए उनके पांव हाथ लगा करके आशीर्वाद लेना और भोलेनाथ पे हर रोज, अगर हर रोज नहीं तो कम से कम सोमवार के दिन जल चढ़ाना बेहद जरूरी है। और बृहस्पतिवार को सुबह और शाम की आरती में जो भी परमात्मा के यहां होती है उनके घर के पास में जो भी मंदिर हो, जो मर्जी मंदिर हो बेटा, सुबह और शाम की आरती के अंदर भाग लेना और परमात्मा की आरती करना और प्रसाद के रूप में कुछ भी बांटना, बेटा ये शादीशुदा जिंदगी के एक तरह की नींव का पूरी तरह से पत्थर पड़ता है जो हमेशा शादीशुदा जिंदगी के अंदर खुशहाल है। तो चंद्र और बृहस्पति को अच्छा करना, औरत का मंगल का मस्तक पे कायम करना और चांदी पांव के अंदर औरत के रहना, बेटा ये केतु को कभी भी बिगड़ने नहीं देता। और अगर जिस घर का केतु ना बिगड़े यानी कि विचार ना बिगड़े, उस घर में सदा सुख शांति और समृद्धि रहती है। एक ये। दूसरा बेटा, पापी ग्रहों के चांद इनको खुश करने के लिए यानी कि शनि, राहु, केतु और शुक्र को अच्छा जो लोग रखते हैं उनके यहाँ वैसे ही कोई भी दुख तकलीफ नहीं आती मैरिड लाइफ को लेके। इसके लिए मैं बार बार उपाय बताता हूँ कि घर की पहली रोटी आधी गाय को, आधी से आधी कुत्ते को और आधी से आधी कौवे को डालना बेहद जरूरी है। कौवा शनि, केतु कुत्ता और शुक्र जो है वो गाय होती है। अगर आप इनको अच्छा रखते हो तो मतलब ही नहीं कि जिंदगी के अंदर किसी भी तरह के शादीशुदा जिंदगी के द्वेष आपके घर में आए और आपको अलग करके गए। आप इतने उपाय करके देखिए, शादीशुदा जिंदगी खूब अच्छी चलती है। गुरु जी, ऐसा भी देखा जाता है आजकल कि बहुत कम उम्र में ही लड़के लड़की प्यार में पड़ जाते हैं और वो अपने माँ बाप के खिलाफ चले जाते हैं। बहुत कम उम्र की बात कर रहे हैं जब उनको समझ भी नहीं होती है। बिल्कुल, बहुत देखा जाता है। तो ऐसे लोग क्या लक्षण होते हैं कुंडली में कि वो बगावत पे आ जाते हैं जिन पे वो डिपेंडेंट रहते हैं माँ बाप पे, और क्या उपाय किए जा सकते हैं कि वो सही रास्ते पे जाएं? तुमने बहुत वाजिब सवाल किया है और आज के जमाने के अंदर ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो गई है कि माँ बाप शर्म के मारे कहीं जाके बता भी नहीं पाते, किसी से बात भी नहीं कर पाते और चुपचाप सहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये सच बात है।
अब इस चीज को गौर से सुनिए, क्योंकि ये डिपेंड करती है बच्चे की उम्र के साथ। जिनका बच्चा 15 से 17 साल की उम्र के अंदर ही बिगड़ना शुरू हो गया और बहुत जल्दी इस अट्रैक्शन में फंसने लग गया, उनका होता है मंगल खराब। और जिनका मंगल खराब होता है 15-16 साल की उम्र के अंदर ही ये अट्रैक्शन पैदा होती है और बच्चा लाख समझाने के बावजूद भी गलती करता और जिद पे अड़ा रहता है, वो एक बार मना भी कर दे तो तब भी उसी लाइन पे जाता है। वो इस योग को ठीक करने के लिए बेटा आपको क्या करना है, इस योग को ठीक करने के लिए मिट्टी के लोटे में देसी खांड भर के उसे वीरान जमीन के अंदर दबाना है और 43 दिन 400 ग्राम गुड़ की रेवड़ी जल प्रवाह करनी है और 3 धातु का छल्ला सोना तांबा चांदी मिलाकर के उसके रिंग फिंगर के अंदर धारण करना है। फिर आया था प्रॉपर 17 गया यानी कि 17 साल की उम्र। 17 साल की उम्र के अंदर अगर बच्चे की पढ़ाई लिखाई से मन बिल्कुल विमुख हो जाए, उसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगे और बार बार उसका विपरीत लिंगी के प्रति अट्रैक्शन बनने लगे और किसी एक के साथ नहीं यारी दोस्ती उसकी कई विपरीत लिंगियों से हाथ बनने लगे, ये 17वें साल में होता है बेटा। अगर ऐसे हालात हो तो समझ लीजिए बुध खराब हो गया और ये बुध खराब होकर के बच्चे की बुद्धि को बिगाड़ देता है, लिखाई पढ़ाई से ये विमुख कर देता है और ये ऐसा प्यार उत्पन्न करता है कि जो किसी के लिए भी उम्र पड़ता है बेटा। ये सबसे खतरनाक रोग है, इसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए 43 दिन लगातार मिट्टी के लोटे में मशरूम भर के उसको मंदिर में देना चाहिए। ऐसा चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसका बीच में से यहां से नाक छेदन करवा के 96 दिन रखने के बाद उसको निकाल के फेंक देना चाहिए, चाहे सोने की तार डालो चाहे चांदी की तार डालो, ये करना। और प्लस 43 दिन लगातार 400 ग्राम चावल को हल्दी लगा करके उसको जल प्रवाह करना, ये उपाय बेहद जरूरी है। फिर आता है 18वां वर्ष। अगर 18 से 21 वर्ष की उम्र के अंदर बच्चा प्यार के चक्कर में ऐसा पड़ जाए कि उसको ना तो लिखाई पढ़ाई की सुध रहे और ना ही किसी और काम की सुध रहे, किसी काम पे और पढ़ाई पे टिक ना पा रहा हो, जिद करके किसी एक के साथ ही प्यार करने के लिए लालियत हो जाए और जिद पे अड़ जाए कि मुझे इसी से करना है, तो ये उम्र भी बेटा प्यार करने की एक तरह की पूरी सही नहीं होती और इसके अंदर भी डिसीजन कई बार गलत हो जाते हैं। ऐसे में शनि खराब होते हैं, इन शनि को अच्छा करने के लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए बेटा जो पत्थर वाले कोयले होते हैं ये लेकर के जहां पर भी लंगर बनता हो, रोज लोगों के लिए कोई ना कोई खाना बनता हो जो खैरात में बटने वाला हो बेटा, या जहां खूब सारे लोग आकर के प्रसाद के रूप में खाते जाते हैं, वहां जो भट्टियां जलती है वहां ये उस बच्चे के वजन के बराबर कच्चे पक्के कोयले पत्थर वाले कोयले लेकर के उनको वहां पर भेंट करना, ये बहुत जरूरी है। साथ में ही वजन के बराबर यानी कि जितना बच्चे का वजन है उसके बराबर का लोहा लेकर के कोई भी गरीब कन्या की शादी हो रही है बेटा उसके अंदर दान दे दो, संदूक अलमारी टंके रूप में ये करो और साथ ही उस बच्चे की ड्यूटी लगा दो कि हर शनिवार को जाकर के वो भैंसे को कुछ ना कुछ जरूर खिला के रहेगा, ठीक है बेटा। आप ये उपाय करके देखिए, ये छोटी उम्र के अंदर होने वाली गलतियां खत्म हो जाएंगी, माँ बाप सुखी होंगे और बच्चा आपका काबिल बनेगा। गुरु जी आज लव मैरिज और अरेंज मैरिज की बात हो रही है, कुछ दर्शक हमारे ऐसे भी होंगे जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है, उम्र बढ़ रही है, उनके लिए क्या उपाय आप बताना चाहते हैं कि उनकी भी शादी जल्दी हो जाए। इसके अंदर भी दो तरह के सीन है बेटा, कई लोग कामयाब होते हैं पढ़ाई लिखाई करके बहुत अच्छे काम पे भी चले जाते हैं लेकिन फिर शादी नहीं होती, ऐसे लोगों के क्या है, ऐसे लोगों का बेटा बृहस्पति खराब होता है लेकिन जो काम तो दे देता है लेकिन मैरिड लाइफ नहीं देता, और ये बृहस्पति की खराबी शनि और बुध की वजह से होती है, तो ऐसे लोगों को शनि और बुध का इलाज जरूर करना चाहिए। और वो इलाज क्या है, वो इलाज है बेटा हर बुधवार के दिन मंदिर के अंदर आम का पौधा लगा करके उसको जल देते रहना यानी कि उसको बड़ा करना, और ऐसे लोग अगर ये करते हैं तो बेटा उनकी शादीशुदा जिंदगी के हालात बहुत जल्द उनके सामने आते हैं। लेकिन एक दूसरा पार्ट होता है और वो पार्ट होता है कि आदमी मेहनत कर रहा है लेकिन कामयाबी नहीं मिली, बार बार काम काज के अंदर खराबी के योग भी रहते हैं और उधर से शादी भी नहीं हुई, ये खराबी होती है मंगल सूर्य और शुक्र की, और ये खराबी के अंदर
जब तक ये सूर्य और मंगल को ठीक नहीं कर लेते बेटा, तब तक ये अच्छे हालात नहीं देता। और इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए करना चाहिए बेटा कि 27 दिन लगातार कांसे के कटोरे के अंदर गेरू मिट्टी भर के उसको जल प्रवाह कर दो, और साथ ही हर शुक्रवार को गाय को, या हर रोज अगर आप कर सको 45 दिन, तो बेटा जो खल होती है सरसों की खल लेकर के उसको रात्रि को भिगोना और सुबह उठ करके भूसे में मिला करके गाय को खिलाना। 45 दिन ये करने के बाद हर हफ्ते करना शुरू कर दीजिए, आप देखेंगे थोड़े ही दिनों के बाद में कामकाज भी अच्छा होगा और जीवन साथी के सुख भी पाओगे। अगर आप भी हमारे शो से जुड़ना चाहते हैं, गुरुजी से अपनी परेशानियों का समाधान पाना चाहते हैं, तो तरीका बहुत ही आसान है। फोन उठाइए और अपने टीवी स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर तुरंत कॉल कीजिए, या आप अपनी परेशानी हमें मेल भी कर सकते हैं। बस आप अपनी डिटेल्स के साथ अपनी परेशानी और फोन नंबर लिखकर gurumantra@itvnetwork.com पर मेल कीजिए। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी और गुरुदेव से शो पर बात करवाएगी। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। राजीव जी ने दिल्ली से बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, फिर सवाल कीजिए। गुरुजी मेरा जन्म तिथि है 12 अप्रैल 1971। ये टाइम है दिन के 12:20। और जगह है नैनीताल। क्या जानना चाहते हैं गुरुजी? मुझे अपना कैरियर के बारे में, और थोड़ा जो भी कैरियर में कुछ ठीक नहीं चल रहा है नौकरी वगैरह में। ये जो योग है मंगल छठे स्थान के ऊपर बैठा हुआ, कहते बकरियों में पला हुआ शेर, यानी कि हिम्मत तो अपने अंदर पूरी है, लेकिन बेटा ये कामों के अंदर बार बार अड़चने रुकावटें बनाता है और जिंदगी के अंदर पूरा कामयाब नहीं होने देता। तीसरा बेटा राहु सातवें स्थान का बैठा हुआ, कहते हैं जेब का मुंह खुला ही रहेगा और खर्चे बड़े बड़े लगे ही रहेंगे, जिसके कारण की स्थिरता के योग कमजोर पड़ते हैं। और अष्टम भाव का शुक्र किसी काम को पूरा नहीं होने देता, मियां बीवी के अंदर बेमतलब की किचकिच के माहौल, और स्वास्थ्य कभी तुम्हारा खराब तुम्हारी बीवी का खराब, ये चलता ही रहेगा। और इसी के अंदर बेटा बुध और शनि का मेल 10वें घर के अंदर बैठा हुआ, अगर वहम की बीमारी होगी और छोटी छोटी बात को लेकर के वहम करने के हालात पैदा हो गए, तो ये वैसे ही मन की शांति, घर के अंदर की सुख शांति को भंग करके हालात को खराब कर देगा। बेटा ये इतने सारे योग हैं तुम्हारे कामकाज को खराब करने के लिए, और सूर्य देव बैठे हैं बाकी सामने, जो कहते हैं कि अगर तुम्हें चांदी का गिफ्ट कहीं से नहीं आया तो फिर भी जीवन को बहुत अच्छा रखेंगे, और घर में जितने तुम्हारे मर्द बुजुर्ग रहेंगे उनकी उम्रों को लंबा करेंगे। लेकिन चांदी का गिफ्ट अगर आता रहा तो ये भाग्य को उल्टा बिगाड़ते रहेंगे, इसीलिए जब भी चांदी का गिफ्ट आए बेटा फौरन उठा के कभी किसी को दे दो या बेच दो, उसको अपने पास नहीं रखना। और कामकाज के लिए बेटा सबसे पहले मंगल 6 का इलाज, ये लगभग हर 3 महीने बाद 6 दिन लगातार 6-6 कन्याओं को दूध और मिश्री जरूर दें, ये उपाय करना बेहद जरूरी है। दूसरा उपाय है हर जन्मदिन के आसपास बेटा 7 नारियल पूजा वाले लेकर के उनको जल प्रवाह करना, चांदी का चकोर टुकड़ा अपनी जेब के अंदर रखना और एक माणिक्य धारण करना तुम्हारे लिए बेहद ज्यादा जरूरी है। साम दाम दम दे खेल करके भी इंसान कामकाज को कभी अच्छा नहीं कर सकता, इसके लिए हर साल में 10 दिन तुम्हें ये उपाय करना है कि 2 दुकानों से बराबर के आम लो और लेकर के गरीबों के अंदर बांटो, ये कम से कम 10 दिन नहीं तो 27 दिन भी कर सकते हो। ये उपाय जब तक हर साल करते रहोगे तब तक कामकाज के अंदर कभी कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी, जीवन बिल्कुल स्मूथ चलता रहेगा, और इसके बाद पत्नी और पुत्र के सुख भी अच्छे रहेंगे इन उपायों को करने के बाद। ये करो और सदा सुखी रहो। और अब बारी आती है आज का गुरु मंत्र जानने की। गुरुजी आज शादी की बात हो रही है, तो क्या गुरु मंत्र आप हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं? बेटा अगर शादीशुदा जिंदगी और गृहस्थी की बातें हो रही हैं, तो आज का गुरु मंत्र भी इसी से संबंधित है। आज के गुरु मंत्र में मैं आपको समझाना चाहूंगा कि किस प्रकार से पापी ग्रह घर में घुस करके गृहस्थी को खराब करने का काम करते हैं, और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। बेटा उसके सिम्टम्स होते हैं कि जब भी पापी ग्रह घर में घुस करके गृहस्थी को खराब करने लगते हैं, सबसे पहले घर के अंदर ये घर की औरतों को कमर और पांव से संबंधित तकलीफें देते हैं, और मर्दों को भी दे सकते हैं।
फिर मर्दों के अंदर ये आलस को पैदा करने लगते हैं। आप देखेंगे कि कई लोग दोपहर को तो बहुत अच्छी तरह से शेव शोव करके तैयार होकर के निकलते हैं, लेकिन जरा सा आलस पड़ने के ऊपर वो नहाते भी नहीं, समझिए। और साथ ही कोशिश यही करते हैं, दाढ़ी इसलिए रख लेते हैं कि उनको आलस आता है दाढ़ी काटने के लिए, उनको आलस आता है दाढ़ी काटने के लिए। बेटा अब ये जो योग है ये होता है शनिदेव घर में आ गए। दूसरा, जिनकी शादी के आसपास घर के अंदर सीलन का माहौल बढ़ने लगे, समझे। और साथ ही बेटा तरह तरह का इलेक्ट्रॉनिक सामान अगर खराब होने लगे तो समझ लीजिए पापी ग्रहों ने घर के अंदर जमावड़ा ले लिया है, और या घर की नालियां रुकने लगे पापी ग्रहों ने जमावड़ा ले लिया, और अब ये शादीशुदा जिंदगी को खराब करके रहेंगे और कमाई भी खराब करेंगे। तो ऐसी अवस्था के अंदर बेटा इनको निकालने के लिए करना क्या चाहिए, इनको दबाने के लिए बेटा सबसे पहले अपनी जिंदगी के अंदर नियम बना लो कि सुबह सवेरे उठ करके नहा धो करके आप अपने इष्ट के सामने एक धूप बत्ती जरूर जलाएंगे, और उसके बाद में थोड़ा सा जल और उसमें थोड़ा सा दूध डाल के बरगद के पेड़ के ऊपर चढ़ा के गीली मिट्टी का तिलक लगाना, और अपने घर के खानों के अंदर कुछ ऐसा करिए कि केसर जरूर इस्तेमाल हो, और केसर का इस्तेमाल जिस कदर बढ़ता चला जाएगा बेटा उसी कदर पापी ग्रह अपना पाप त्यागते चले जाएंगे। और इसके अंदर जो मजदूर हो बेटा उनको कुछ ना कुछ खाने को देना, खास तौर पे शनिवार को खाने को देना। बेटा आपके घर पे शनि के जो खराब हालात पैदा होने वाले हैं उसको अच्छा करके आपको सुखमय बनाएगा। और एक बात मत भूलिएगा, शादीशुदा जिंदगी का आधार गाय होती है, और जो भी इंसान गाय माता की सेवा करता रहता है, उसको पानी पिलाता है, उसको खाना खिलाता है, उसकी सेवा करता है, बेटा उसकी शादीशुदा का जिंदगी का जो आधार है सदा ही कायम रहता है, और उसके अंदर खराबी के हालात कभी पैदा नहीं होते। तो गौ माता की सेवा करिए और अपनी शादीशुदा जिंदगी को सदा अच्छा खुश रखिए। आज का शो देखने के बाद आपके मन में शादी से जुड़े कई मिथक टूट गए होंगे। लव और अरेंज मैरिज किसके लिए और क्यों सही होती है, इसकी जानकारी आपको गुरुदेव ने दे दी है। बस शादी से जुड़े गुरुदेव के बताए लक्षणों को आप याद रखिए और उपाय करते रहिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। गुरुदेव बहुत बहुत शुक्रिया थी सारी जानकारी के लिए। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे। और आप कल का विषय जान लीजिए, कल बुधवार है, इसीलिए कल आपकी कुंडली में बुध से जुड़े रहस्यों को हम जानेंगे। बुध के बुरे प्रभाव से बचाने वाले उपाय होंगे। बुध से जुड़े रहस्यों को जानने के लिए हमारा कल का शो देखना ना भूले। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।